मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि जल्दी मंडी को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है। ये बात उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत महणी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से जब प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं तो नंबर एक पर है, पर डॉक्टरों की कमी के कारण परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल नेरचौक में 100 डॉक्टरों की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अभी मेडिकल कॉलेज के शुरू होने का इंतजार है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी जो नेरचौक में स्थित है उसमें 100 जो है MBBS के फर्स्ट ईयर की डॉक्टरों की जो है यहाँ अब की बार क्लास शुरू हो जाएगी। और एक मैंने मंडी के लिए एक जो है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी मंडी के लिए मंजूर कराई है और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे अच्छी सबसे बेहतर है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी सर कहाँ खुलेगी? ये मंडी में ही खुलेगी और उस नेरचौक में खुलेगी। बता दें कि रविवार को कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बदार घाटी की ग्राम पंचायत महणी का दौरा किया और वहां पर 6.50 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन को लोगों को समर्पित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को पक्का करने पर 68 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।